संभालो। अरे ओ ढोलू भोलू, जल्दी करो, मेरी कसरत बस खत्म होने वाली है। कसरत तो हमारी हो रही है। मलाई वाला दूध पीने से और मजबूती मिलती है। इतनी सारी चर्बी, ऊपर से मलाई, वो भी 6 बाल्टी। पहलवान बन रहे हैं कि मलाई मैन? हाँ, क्या मतलब है? हाँ? हो रहे हैं ढोलू भोलू और कालिया। कालिया, फिलहाल दूधिया लग रहे हो, दूधिया। अरे कालिया, दूध वो छोड़ो, देखो चुटकी हम सबके लिए मौसी के विशेष लड्डू ले आई है। दीदी, हमको भी दो ना लड्डू। हाँ हाँ, हम खाएंगे लड्डू, हमें भी दो ना। इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए? मैं लाया हूँ। कान्हा, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई कान्हा। हमेशा की तरह नटखट, आप भी गए और हमें पता भी ना चला। कृष्णा फिर से करेंगे किरमाड़ा का अंत। ना कोई राजा ना कोई रानी, सुनो सुनो सब एक कहानी। अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई की हुई थी हार। भीम और कृष्णा ने मिलकर किरमाड़ा की खूब लगाई मार। मैं हूँ किरमाड़ा, बड़ा भयंकर, चलाकर अपना जंतर मंतर करूँगा इस दुनिया पर राज, कोई मुझको रोक पाए नहीं है ऐसा जाबाज।
तुझे सबक सिखाने आ गए भीम और कृष्ण। अब चलो मिलकर इस गिरमाड़ा को धूल चटाएं। भीम और कृष्णा, ये परिवार वाले परेशान होंगे। बस जाने के पहले मैं तुम सबको कुछ तोहफे देना चाहता हूँ। तोहफे हमारे लिए भी? हाँ, और सबसे पहले कालिया, तुम्हारे लिए ये नन्हा झोला। झोला? इसमें एक ऐसा चूरन है जो अगर किसी पर भी फूको तो उसके मन में चल रही बात सुनाई पड़ती है। अब तुम दोनों के लिए ये अनोखा बक्सा। मस्त है ना उस्ताद? अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए ये, इसके रहते तुम कभी भी रास्ता नहीं भटकोगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कान्हा। मैं अब जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। तुम्हारे लिए ये अंगूठी, अगर तुम कभी खतरे में फंस गई तो इस पर जड़े नगीने का रंग बदल जाएगा।
और तुरंत ही मैं तुम्हारी मदद करने पहुंच जाऊंगा। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है कान्हा। और मेरे जिगरी दोस्त भीम के लिए ये लॉकेट। कान्हा धन्यवाद। इसकी विशेषता तुम्हारी दी हुई कोई भी भेंट मेरे लिए विशेष है कान्हा। मेरे घर लौटने का समय जो आ गया है भीम, मेरी मैया मेरी राह देखती होंगी और इतने दिनों से जो मक्खन मैया ने निकाला होगा वो भी तो मुझे ही खत्म करना है। मक्खन भी खत्म कर लेना पर टुनटुन मौसी के लड्डू खत्म किए बिना मैं तुम्हें ढोलकपुर से जाने नहीं दूंगी कृष्णा। सिम्बारा।